हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे कि ऐसे कौन से टेस्ट है जिसका सैंपल का संग्रहण हमें एक ईडीटी ट्यूब या ईडीटी फाइल में करना चाहिए। तो इस सूची में पहला टेस्ट है सीबीसी या हीमोग्राम। तो सीबीसी के लिए आपको ईडीटी ट्यूब में सैंपल संग्रह करना होता है। इसके अलावा सीबीसी में आने वाले कोई भी अगर सिंगल टेस्ट आपको करना होता है तो इसके लिए भी आपको ईडीटी सैंपल लेना पड़ेगा, ईडीटी ट्यूब में सैंपल लेना पड़ेगा। तो इस सूची में टेस्ट है जैसे हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट्स काउंट, ईसिनोफिल काउंट्स जिसे एब्सोल्यूट ईसिनोफिल काउंट्स भी कहा जाता है, पीसीवी या हीमेटोक्रिएट, इसके लिए भी आपको ईडीटी ट्यूब में सैंपल संग्रह करना होता है। इसके अलावा ईएसआर के लिए भी ईडीटी सैंपल यूज में लिया जा सकता है, बस शर्ते आप 1:4 का डाइल्यूशन को फॉलो करें। हालांकि ईएसआर के लिए आपको सोडियम साइट्रेट युक्त ट्यूब का उपयोग में लेना होता है। इसके अलावा ब्लड शुगर टेस्ट के लिए ईडीटी ट्यूब में आप सैंपल ले सकते हैं। इसमें आप रैंडम ब्लड शुगर और पीपी ब्लड शुगर को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक सावधानी आपको यह रखनी पड़ेगी कि इसमें आपको टेस्ट विद इन 1 घंटे में करना पड़ेगा, क्योंकि यह ट्यूब फ्लोराइड युक्त नहीं है। इसमें आपकी शुगर समय के साथ लॉस होती रहेगी जो कि फॉल्स रिजल्ट देगा। तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ब्लड शुगर टेस्ट कर लेना है अगर आप ईडीटी ट्यूब से ब्लड शुगर कर रहे हैं तो। इसके अलावा जितने भी ब्लड की स्लाइड्स होती है उसको बनाने के लिए आपको ईडीटी ट्यूब में सैंपल संग्रह करना होता है। जैसे मलेरिया की स्लाइड है, पीबीएफ की स्लाइड है या रेटिकुलोसाइट्स काउंट है, इसके लिए आपको ईडीटी युक्त ब्लड से स्लाइड बनानी होती है। इसके अलावा कई सारे टेस्ट है जिसको आपको ईडीटी ट्यूब में सैंपल संग्रह करना होता है, जैसे कूम्स टेस्ट, HbA1c टेस्ट, HIV वायरल लोड्स, CD3 CD4 काउंट्स, क्रॉप आई टेस्ट, ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच, G6PD, PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और कुछ रैपिड कार्ड टेस्ट के लिए भी ईडीटी सैंपल उपयोग में लिया जाता है, जैसे मलेरिया टेस्ट, HIV टेस्ट, इसके लिए होल ब्लड उपयोग में लिया जाता है और आप ईडीटी ब्लड का उपयोग ले सकते हैं। कुछ अन्य टेस्ट जैसे रेड सेल फॉलेट, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, HBS, DNA टेस्ट, PTH, ACTH, अमोनिया आदि के लिए ईडीटी युक्त सैंपल का प्रयोग लिया जाता है। थैंक यू।